हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा और हम लोग कर रहे हैं अपनी चढ़ाई की शुरुआत। और माता के भवन के लिए जो सबसे पहला पड़ाव आता है वो आता है ये दिबान गंगा पॉइंट। यहाँ से हम लोग फ्रिस्किंग पॉइंट से एंटर करेंगे, आपको दिखाता हूँ। तो ये है फ्रिस्किंग पॉइंट और हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं जुलाई के महीने में कर रहे हैं। आज है 7 जुलाई। जैसा कि आप देख रहे होंगे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है। बारिश भी हो रही है और गर्मी भी कम है, तो बहुत ही अच्छा वेदर है गाइज। और ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं पूरा अर्ध कुमारी। देखिए यहाँ से आपको अर्ध कुमारी भी दिख रहा है, पूरा अर्ध कुमारी। और ये है फ्रिस्किंग पॉइंट जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और हम सब शेष, आपके पास वो रूल चैम आपके पास कार्ड का है वो? देखिए रूल चैम, जोर से बोलो जय माता दी। तो रूल चैम भी जय माता दी बोलते हुए। ये देखिए, ये है आपका फ्रिस्किंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग अपनी चेकिंग कराएंगे और चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं माँ के। तो बोलो अम्बे मात की जय। बताएंगे रूल चैम, आपको पहला जर्नी कैसा लग रहा है? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ तो पता कैसे चलेगा, आगे आगे देखते होता है क्या। लॉन्ग वे टू गो। सो आप बोलो जोर से अम्बे मात की जय। जय जय माता दी। ये भी है, ये हमारे राम स्केलेटन बॉय, एक मुंह छुपाते हुए। तो ये देखिए गाइस, हमारी यात्रा हो चुकी है स्टार्ट यहाँ से माता के भवन के लिए। सो गाइस, अभी हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है बहुत तेज़ी से और अब यहाँ आके रुके हैं। ये पुराना रास्ता है जो कि पहले अर्ध कुमारी जाया करता था, और इस बार हम लोग पुराने रास्ते से चढ़ाई यहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्टीप है गाइस। फ्यूल टाइम की भी हालत ख़राब होती हुई, बात करने की हालत नहीं है गाइस। जय माता दी। देखिए लोग आते हुए, आज 7 जुलाई है और देखिए रश बहुत है अभी भी। हमें लग रहा था कि स्कूल की छुट्टियां हैं और रश खत्म हो गया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, रश बहुत है। माता के भवन में छुट्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस यहाँ पे हम लोग रुके हैं ब्रेक लेने के लिए, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए। ये देखिए रूल चैम्प यहाँ पे पसीने में लथपथ। और यहाँ से देखिए अर्ध कुमारी जो दिख रही है वो दिख रहा है आपको ऊपर, और वहाँ पे बादल दिखे गाइस। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बादलों के बीच गिरा हुआ अर्ध कुमारी। सो आप हमारे साथ रूल चैम्प पे, और आपको हम लेके जा रहे हैं अपने साथ माता वैष्णो के दर्शन कराने के लिए। और आज है 7 जुलाई और आप वेदर देख सकते हैं कितना ही सुहाना वेदर है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बड़ा ही सुहाना है गाइस। और बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने रूल चैम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। सो गाइस, अर्ध कुमारी के लिए अभी 2 किलोमीटर का रास्ता बचा है और रूल व्यू चेक करो आप जस्ट। रूल चैम की हालत देखो खराब हो गई है। फर्स्ट टाइम जो रहे रूल चैम वैष्णो देवी की यात्रा पे आ रहा है। रूल चैम कैसा लग रहा है आपको? ठीक ठाक, ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब तो हल्का, अगर मैंने अपना हल्का प्रेशर छोड़ा मैं सीधा नीचे जाऊँगा, इतनी स्टीप चढ़ाई। आप एक बार देख लो, कैमरे में जस्टिस नहीं करेगा बट बहुत ज़्यादा है, थकान हो रही है। 4 किलोमीटर कवर कर चुके हम। 4 नहीं 5। 5 किलोमीटर हो गया। हाँ, 1 किलोमीटर और। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अर्ध कुमारी। तो ये देखिए अर्ध कुमारी से हम लोग यहाँ से आए हैं, और ये रास्ता जा रहे हैं अर्ध कुमारी के लिए। और 2 रास्ते जा रहे हैं, एक जा रहा है भवन वाया हिमकोटी मार्ग और एक जा रहा है भवन वाया हाथी मत्था मार्ग। तो ये दोनों मार्गों में देखिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अर्ध कुमारी का रास्ता यहाँ से हम। सो यहाँ से ये जो है बैटरी कार भी चलती है, लेकिन इसकी टाइमिंग है, और आई थिंक ऑनलाइन स्लॉट्स बुक किए जाते हैं। ये देखिए बैटरी लगी हुई है इसमें। हाँ,
सो गाइज हम लोग भवन पहुंचने वाले हैं। ये देखिए भवन का रास्ता है, ये रहा जा रहा है, और ये हम लोग तो रुके हैं बाहर का नज़ारा देखने के लिए। गाइज हम बादलों की ऊंचाइयों में, हर जगह कोहरा ही कोहरा, फॉग ही फॉग है शेष। ये आजकल मीम चल रहा है, कोहरा ही कोहरा। हाँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा, और देखिए नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है। वाओ क्या व्यू है गाइज, ऐसा लग रहा है आप किसी सीधा आसमान में, आप स्काई में हैं आप लोग। तो आप लोग भी इस व्यू का आनंद लीजिए, मज़ा उठाइए, और प्लीज़ हमारे साथ चैनल बने रहिए। अभी हम आपको भवन के दर्शन कराएंगे, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी ज़रूर लिखिए, और लाइक करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए लेके चलते हैं आपको भवन में, कराते हैं आपको माता रानी के दर्शन। सो गाइस ये देखिए रूल चैंप आपको नज़ारा दिखाते हुए। गाइस ये देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है हम बर्फ में आगे गए, फॉग स्नो वाला फॉग है, जबकि हम क्लाउड के बीच में इस टाइम पे। इधर देखो, इधर इधर कुछ दिख ही नहीं रहा गाइस, कुछ नहीं दिख रहा, सामने कुछ नहीं दिख रहा, अद्भुत नज़ारा, अमेजिंग। बहुत ठंडी लग रही है मुझे, अमेजिंग फीलिंग आ रही है, वाओ हा हा हा, कुछ नहीं दिख रहा, और इस टाइम की जो फीलिंग है ये बिल्कुल बयान नहीं कर सकते हम आपको, अमेजिंग फीलिंग है गाइस। मतलब इतना अच्छा वेदर मिला है अपने को कि धूप नहीं मिली है, पसीने नहीं आए हैं, मतलब पसीने के तो आते हैं गर्मी वाले जब चढ़ते हो तो, लेकिन वेदर देखिए गाइस सीरियसली अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है, ठंड भी बहुत। Seriously amazing. Guys, ऐसा पूरा रास्ता था, मुझे लगता है भवन तक ही ऐसे मिलने वाला है अपने को। भवन अभी यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, लेकिन आप रास्ता देखो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से आपको ना। एक चेक पोस्ट है यहाँ से अपने को एंट्री करनी है। तो गाइस अभी बचे हैं 1.5 किलोमीटर, ये देखो भवन दिखाटो से रूलचैम, और देखो रूलचैम बिल्कुल थक चुके हैं, रूलचैम लग रहा है कि हम रियल भगवान के दर्शन करके देखें, इतनी ऊंचाई में आ गए हैं, बादल भी ऊपर आ गए हैं, देखो एक बार कैसा लग रहा है आपको, ऐसा व्यू देखा था कभी आपने? व्यू तो ऐसा और जगह भी मिल जाता, चलना ना पड़ता। चलो चलो चलो, बाहर का व्यू देखो, वाओ बाहर का व्यू देखो, बादल गाइस ये देखिए फाइनली भवन दिख रहा है अपने को यहाँ से, वो देखिए ये रहा माता का भवन, और हम लोग पहुँच गए। बच्चे सब थक चुके हैं, 1 किलोमीटर यहाँ से है, 1 किलोमीटर हो रहा है फाइनल लैप, और भवन देखिए मंकीज भी यहाँ पे, सिर्फ फाइनल लैप है बस वहाँ तक, मंकी आ जाएंगे यहाँ पे। फाइनल लैप आ गया बस शेष, थोड़ा सा कस्टर्ड सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं आपका भवन में,
और ये रोप वे के लिए देखिए लाइन लगी पड़ी है, कितनी भीड़ है रोप वे काउंटर के लिए। सर ये रोपवे की टिकट की लाइन है, कब आएगा नंबर अगर लेते टिकट तो लाइन लगाने के बाद ही आएगा कोई मतलब फिर इसके बाद आ जाता है साढ़े पाँच बजे बंद हो जाएगा सुबह ही आएगा जो आएगा। गाइस जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये पूरा उरन खटोला जो भैरव मंदिर जाता है उसके लिए लाइन है, और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी है, और साढ़े पाँच बजे बंद हो जाता है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ओपन होता है। आई डोंट नो कितने लोग इस पर से जा पाएंगे। दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन नहीं है जितना रोप वे के लिए लाइन है। सो गाइस ये देखिए जनता जो है, ये पब्लिक जो है दर्शन करके आ रही है, सबके हाथ पे नारियल भी है और हमारे भी दर्शन हो गए, हम लोग ने भी माता रानी के दर्शन कर लिए, वीआईपी एंट्री मिल गई हमारे को, तो दर्शन अच्छे भी हो गए, जल्दी भी हो गए, तो बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके। मैं सितंबर में ऑल्डो आया था, बट इस बार पूरी फैमिली के साथ आया, लास्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ आया था, और इस बार मैं रूल चैम को भी साथ लेके आया। देखिए रूल चैम वहाँ बैठे हुए, रूल चैम ने भी पहली बार माता रानी के दर्शन किए। सो अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग कुछ थोड़ा सा हल्का सा लंच वंच कर, बस लंच कर डिनर कर लें, अब तो लंच का टाइम खत्म हो गया, एंड देन उसके बाद भैरव मंदिर की चढ़ाई करें। सो आप लोग बने रहिए चैनल पे हमारे साथ, और अभी क्या आरती का टाइम है, 8 बजे से आरती का टाइम रहता है, या 7 या 7:30 से आरती का टाइम रहता है, तो आरती का टाइम है। ये भवन का नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये भवन का नज़ारा है, और ये देखिए नीचे जो है ये पूरा आपको जम्मू एरिया दिख रहा है। ये देखिए स्नो, देखिए कितना ब्राइट स्नो दिख रहा है, सनी डे अभी, और आपको अभी आपने पहले क्लिप में देखा होगा कि कितने बादल थे, कितने क्लाउड था, कैसा वेदर हो रखा था, और अभी देखिए क्या मतलब सनी डे हो रखा है, मतलब सनी इवनिंग हो गया, ऑलमोस्ट 6-7 बजने वाले हैं, और अभी 7 बजने वाले ना, 6:55 हो गए ना, 7 बजने वाले, और अभी देखिए सूरज देवता भी कितना ऊपर है, और क्या कहते हैं शाम को 5:30 बजे के बाद से उड़न खटोला बंद हो जाता है, तो हमारा भैरव मंदिर जाने का प्लान है, तो देखते हैं कैसे जाते हैं। ये देखिए ये डिस्पेंसरी भी है यहाँ पे, ये कटरा का एग्जिट गेट है, और ये देखिए ये एरिया है जहाँ पे अभी आरती होगी। वैसे अंदर फोन अलाउ नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ आपको टीवी के थ्रू, यहाँ पे आरती होती है, आरती होती है, यहाँ आरती होती है। Thank you.